आपकी यात्रा आज जज्जर पहुंची है, लोगों द्वारा भव्य स्वागत आपका किया गया, किस तरीके का समर्थन यात्रा को मिला? देखिए आज चौथा दिन है यात्रा का, और यात्रा तो कल ही कामयाब हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक वीडियो जारी किया कि आम आदमी पार्टी आ रही है, भाई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आ रही है, उसमें शामिल मत होना। तो इसका मतलब सरकार डर रही है, इसका मतलब सरकार के पास खुफिया रिपोर्ट है कि लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामिया। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ये रोक नहीं पाएंगे। हरियाणा का लाल देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा का बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही मौका आया था जब चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, तब वो बने नहीं थे, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे। आज दोबारा हरियाणा का एक व्यक्ति इस मुकाम तक पहुँच रहा है, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका साथ देगा। आम आदमी पार्टी भी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी भी यात्रा निकाल रही है, इनेलो भी यात्रा निकाल रही है, और भाजपा भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बदलाव ला पाएगी? देखिए कांग्रेस किस चीज़ के लिए यात्रा निकाल रही है भाई? कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो 25 साल उन्होंने ही राज किया हरियाणा के ऊपर, तो पहले बताएं ना कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल अच्छे क्यों नहीं कर पाए, तब तो यात्रा निकालने का मतलब है। बीजेपी 52-55 यात्राएं क्यों निकाल रही है? 10 साल से राज में हो ना, आपके हाथ में है, जो करना है कर दो, तो यात्रा निकालने का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी लोगों के सामने ये बताने के लिए यात्रा निकाल रही है कि अब तक कांग्रेस बीजेपी पार्टियां बदली हैं, सरकारें बदली हैं, व्यवस्था नहीं बदली। 2024 में जब आम आदमी का राज आएगा तब व्यवस्था बदलेगी। हरियाणा के स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से शानदार होंगे सरकारी स्कूल, बिजली भी मुफ्त मिलेगी यहाँ पे, पानी भी घर घर में मुफ्त मिलेगा, अस्पताल में भी फ्री इलाज होगा, और सारी वो चीज़ें जो दिल्ली और पंजाब में हो रही हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं वो हरियाणा के लोगों को भी मिलेंगी। पांच राज्यों के जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी, लेकिन निराशा उनको भी हाथ लगी है। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा, और हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि ना कांग्रेस हो ना आम आदमी पार्टी, कोई नहीं हमारे पक्ष में? देखिए मुझे लगता है जो तीन राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हैं वो साफ बताते हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। सीधी टक्कर, हम सब ने मौका दे दिया कि भाई कांग्रेस वालों जाओ हरा लो, उसके बावजूद भी कांग्रेस हरा नहीं पाई सीधे मुकाबले में, इसका मतलब उनके बस की बात नहीं है। अब लोग विकल्प तलाश रहे हैं, ऐसा विकल्प जिसने बीजेपी को हराया हो बार बार। हमने दिल्ली में दो दो बार हराया है बीजेपी को, जिसमें मोदी जी ने भी प्रचार कर लिया, अमित शाह जी ने भी प्रचार कर लिया, एमसीडी में 15 साल पुरानी उनकी सरकार हराई, गुजरात में उनके घर में घुस के 41 लाख वोट लेके आए। ये अपने आप में बताता है, लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी हरा सकती है बीजेपी को, तो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, संसद में जो चूक का मामला हुआ है, जो जींद की बेटी है उसने कहा है कि युवा बेरोजगार है, युवा कहां जाए? देखिए मुद्दा क्या था वो बिल्कुल अलग डिबेट है, लेकिन संसद में दूसरी बार हमला हुआ है, और दोनों बार हमला जो हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी देश को सुरक्षित रखने में नाकाम है पूरी तरह से, जब वो संसद को सुरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए लोगों का भरोसा बीजेपी से उठ चुका है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कह रहा है, गठबंधन का क्या भविष्य आगे रहेगा, और हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मिलकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराएगा, क्योंकि लोकसभा में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोगों को पता है बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है और इंडिया गठबंधन उसको बचाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।